मैं प्रिया आपके साथ। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ने ये मान लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कोहिनूर हीरा ले गई थी। महाराजा दिलीप सिंह को इसे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया था। ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में रॉयल्स ज्वेलर्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बताया गया कि लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह के सामने कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई थी। बकिंघम पैलेस के रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की मंजूरी के बाद प्रदर्शनी में ये टेक्स्ट लिखा गया है। दरअसल टावर ऑफ लंदन की प्रदर्शनी में पहली बार कोहिनूर सहित कई कीमती हीरे जवाहरात शामिल किए गए। यहाँ कई वीडियो और प्रेजेंटेशन के जरिए कोहिनूर का इतिहास भी बताया जा रहा है। प्रदर्शनी में कोहिनूर को विजय के प्रतीक के तौर पर रखा गया है। क्राउन ज्वेलर्स एग्जीबिशन में कोहिनूर पर एक फिल्म भी दिखाई गई। इसमें इसके पूरे इतिहास को एक ग्राफिक मैप के जरिए दिखाया गया। इसमें बताया गया है कि हीरे को गोलकुंडा की खदानों से निकाले जाने का दावा किया जाता है। इसके बाद एक तस्वीर में महाराजा दिलीप सिंह इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।